आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आगमन विधि, दूसरा विकल्प है निगमन विधि, विकल्प तीसरा है गीत अभिनय विधि और विकल्प चौथा है ये सभी विधि। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु आगमन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि? तो आगमन विधि क्या होता है? तो इस विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे उदाहरणों के आधार पर इसमें नियम स्थापित किए जाते हैं। और यदि हम विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प क्या है? आगमन विधि। तुम्हारा विकल्प पहला इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें पहले क्या करते हैं, कोई भी विषय वस्तु होती है उसका जो भी उदाहरण होता है उसके द्वारा इसे पहले समझा जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर उसे में उदाहरण के आधार पर उसे मतलब उसमें क्या होता है कि एक नियम बनाया जाता है, उसे हम आगमन विधि कहते हैं। और विकल्प दूसरा है निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है, तो इसमें सामान्य सत्य के आधार पर एक विशेष सत्य की खोज की जाती है। तुम्हारा विकल्प दूसरा नहीं होगा। विकल्प तीसरा है गीत अभिनय विधि। तो इसमें गीत के साथ साथ अभिनय किया जाता है इस विधि के अंतर्गत, तो यह भी हमारे वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। तुम्हारा विकल्प तीसरा नहीं होगा। और विकल्प चौथा है ये सभी विधि। तुम्हारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हमारा जो विकल्प पहला है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।